लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक नया क्यूब परचेज करा है, विच इज़ नोन एज स्नेक क्यूब। तो मुझे इसको सीखने में मुझे अराउंड 2 से 3 दिन लगे। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ बैठ के इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था घंटों घंटों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं सुबह जैसे मूड है तो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करा, कोशिश करी, नहीं हुआ, और शाम को कर लिया थोड़ी देर, अगले दिन कर लिया, तो समा मुझे पैटर्न दिखने लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि गेम या पजल का जो पर्पस है वो यही है कि हम पैटर्न्स अपने आसपास देख पाएँ, जो कि इसमें भी है, आप भी देख पाएंगे अगर आपने कोशिश करी होगी सच में। तो अगर आपको असली में इसका मज़ा लेना है, असली में आपको सीखना है और जैसे इंजॉय करना है, तो मुझे लगता है आपको खुद ट्राई करना चाहिए। सॉल्यूशन देख लोगे तो इट्स लाइक मज़ा नहीं आएगा। जो खो जाने में जो मज़ा है जंगल में, उसमें आपको सीधे रास्ते में मज़ा नहीं है, जहाँ पर गूगल मैप देख के आप रास्ते में पहुँच गए थे, ये तो गूगल मैप की तरह होते हैं। बट फिर भी कोई बंदा अगर पूरी तरह खो चुका है जंगल के अंदर, हमें गूगल मैप की ज़रूरत है, तो हम आपको यहाँ पर बहुत दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि डिसमेंटल करने में बहुत मज़ा आता है। ये आपका क्यूब है, जो ऑब्वियसली सॉरी स्नेक क्यूब है, जो अभी क्यूब बनेगा। लेट्स सी किस तरीके से बनेगा। मैं इसको दोनों एंड से बना सकता हूँ, इस एंड से भी और इस एंड से भी। आई पर्सनली लाइक दिस एंड, उसमें कुछ उल्टा नहीं आना पड़ता है, इस एंड से बीच में से लाना पड़ता है, तो आई डोंट लाइक पर्सनली। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये 27 मिलेंगे आपको, 27 क्यूब्स हैं ये छोटे छोटे। तो सिंपल मैथ्स अगर हम लगाएं तो 3x3 का एक क्यूब होता है, 3 × 3 × 3 इज 27, सो 3x3 का एक क्यूब बनेगा, जो आपने देखा भी होगा अभी। तो अंडरस्टैंडिंग वही रखेंगे 3x3 क्यूब की, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये स्नेक क्यूब बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ये वाला एंड ज़्यादा पसंद है, आप दोनों एंड से ट्राई करें बाद में, बट एक एंड से समझ लें। ये 3x3 का एक साइड हो गया, मैं इसको एक साइड मार लूँगा, तो ये 3 यहाँ से यहाँ पर ये 3 आएगा, 3 3, तो ऐसे 3 हाइट जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर मैं इसको इस साइड रखता हूँ तो ये क्यूब से बाहर चला जाएगा, तो हम चेंज करेंगे इसकी पोजिशनिंग। दिस इज़ 1, तो ये भी अगेन क्यूब से बाहर जा रहा है, तो आई चेंज इट। तो चेंज करने का तरीका एक ये है, तो यहाँ से थोड़ा सा ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज अवॉइड करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम, कि इसको हम स्टैंडिंग पोजिशन पे ले लें। हाउ टू डू दैट, ऐसे, ओह नाइस, इस तरीके से। कैन यू सी दिस, स्ट्रेट देन राइट देन दिस एंड देन टॉप, सो दिस इज 3। नाउ मूविंग अहेड, अगेन ये 3 है, ये 2 है, तो इन 2 को पहले यूज़ करते हुए ये साइड ही बनेगी कोई लॉन्ग साइड। सो लेट्स ट्राई 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 ट्राई, या हियर इट इज, सी अगेन अ हाई पोर्शन। सो नाउ सी इट फिट्स इन हेयर, ओके नाइस। आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग साइड और वॉट, या ओके नाइस दिस वे, या फाइन एंड गोइंग दिस वे। नाउ नॉट गोइंग बैक, आई हैव टू फिल दिस एरिया फर्स्ट, या टेक इट डाउन डाउन, ओके अप, सी वी हैव द क्यूब। इट्स नॉट ईजी एट ऑल वाइल लुकिंग एट इट, बट इट इज ईजी वंस इट इज डन। सो आई वुड रादर से ट्राई Unless you succeed. Hope you like the video, and if you like it, please.
press the like button and subscribe the channel for more such mathematical related videos, puzzles or mathematical question concepts. I make videos related to all the variety of mathematical concepts which are intriguing to me and which can be helpful to others. So, see you in the next video.